हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज बेस्ट में। आज मैं आपके लाया हूँ, यदि आप प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं और यदि आपके मोबाइल में आपके बच्चों ने फ्री फायर या कवर फायर या पबजी ऐसे और भी गेम डाउनलोड कर रखे हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी पसंद होता है नए नए ड्रेसेस निकालना या कोई नए नए वेपन्स खोजना या तो फिर नए नए ग्रेनेड या तो फिर उनके ऊपर जो उसमें जो अपग्रेड होते रहते हैं वो उनको परचेस करने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं कि प्ले स्टोर पर जाके उस ऐप में जाके उसमें आपके अकाउंट उसमें इनेबल होता है और वो परचेसिंग कर लेते हैं। तो आपके बच्चे ये परचेसिंग ना कर पाए, आपने एक बार ना बहुत सी न्यूज़ देखी होगी कि कई बच्चों ने अपने पापा के या मम्मी के मोबाइल से अकाउंट ही पूरा खाली कर लिया और उन्होंने इतनी सारी परचेसिंग कर ली, लाखों रुपये की परचेसिंग करी है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को समझाने में आया हूँ कि आप अपने बच्चों की परचेसिंग को बंद कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बच्चे परचेस कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। या प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद, प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको सिंपली ये आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आइकॉन यहाँ पे काइंड मास्टर के लोगों से छुप गया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक आइकॉन शो हो रहा है, इस आइकॉन पे आपको सिंपली टैप कर देना है। इसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर आपको आइकॉन शो हो रहा है, यहाँ पे आपका नाम और उसके नीचे आपकी जीमेल आईडी आपको शो हो रही है। अब हम चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको अगर जो परचेसिंग उसकी स्टॉप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे जिससे ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर एक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी शो हो रही होगी। यहाँ पे गूगल पासवर्ड मांग रहा होगा कि आपकी जो ईमेल आईडी आपको ऊपर शो कर रही है उसका पासवर्ड क्या है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड आप डाल देंगे। यदि आपको अपने जीमेल आईडी या तो फिर प्ले स्टोर आईडी के पासवर्ड नहीं पता है तो आई बटन पे मैंने वीडियो डाल दी है, आपको सिंपली क्लिक करके आप अपना प्ले स्टोर आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना प्ले स्टोर में जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। मैं ओके बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बटन ऑन हो गया है। इसके बाद यदि आप के बच्चे किसी भी चीज़ के परचेसिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक मांगेगा। उसके लिए अगर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे तभी हो सकता है जब आपके मोबाइल में आपने फिंगरप्रिंट्स को यूज़ कर रखा है, फिंगरप्रिंट्स को ऑन कर रखा है या तो फेस लॉक को ऑन कर रखा है, तभी यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आप इनेबल कर सकते हैं। तो इसी टाइप की टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।